Hey guys, what's up? मैं हूँ अनिंदिता एंड वेलकम टू माई चैनल। सॉरी गाइज, आज मैं बहुत ही ज़्यादा कैजुअल सी हूँ, बस कुछ बाल बनाने का मन नहीं किया तो मैं ऐसे ही आप लोगों के पास चली आई। मुद्दे पे आते हैं, जो आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, और नीचे लिखा हुआ कि ऑल स्किन टाइप। यहीं पे मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से, तो मैं चली आई आप लोगों के पास इसको लेकर। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, इसका प्राइस है 110 रुपीज़, और इसमें आपको 60 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 ईयर्स का लाइफ टाइम मिल रहा है। पीछे सभी कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका से लेकर कोई भी लोकल शॉप में, कहीं इनफैक्ट मेडिकल स्टोर में भी ये आपको इजीली अवेलेबल है, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए आप इसको थोड़ा सा हैंड में भी लेकर दिखते हैं। मैं इसको इसलिए ऊपर से दे रही हूँ तो आपको इसको पता चले कि कितना वाटर बेस है। ये फुल वाटर बेस है गाइस, इसमें बिल्कुल भी ऑयली वाला कोई भी चिपचिपा ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल वाटर बेस है। ऊपर से एक लाइट पीची कलर का दिखता है। देखिए हैंड में ये कितनी आसानी से ये पूरा ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए फुल वाटर बेस है, तो अप्लाई करना भी इसको आसान है। फुल एब्जॉर्ब हो गया, और इसका जो स्मेल है गाइस, मैं एक टिप्स देती हूँ आपको। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो थोड़ा सा ऐसे, अगर आपको स्किन के ऊपर कोई सूट ये नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा हैंड में लगाओ, सो जाओ, इसका जो स्मेल आएगा आपके नोज पे उससे आपको नींद पक्का आएगी। एक बात मैं इसके बारे में पहले ही बता दूँ, ये पैराबेन फ्री नहीं है, इसमें पैराबेन एडिट है। अब मैं आती हूँ जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, उस मुद्दे पे आती हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ऑल स्किन टाइप, ये बेसिकली ऑल स्किन टाइप नहीं है गाइस। अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो ये आपके स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। मतलब मानो तो आपका स्किन सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा, एक हल्का सा 2 to 3 days यूज़ करने के बाद एक हल्का सा ग्लो सा दिखेगा। आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हो, अंडर मेकअप के लिए, मतलब मेकअप बेस में हम लोग जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई नाइट क्रीम के तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंडाई के टाइम, विंटर के टाइम पे आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर क्रीम आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी फायदे हैं इसका आपके लिए, अगर आपका स्किन नॉर्मल स्किन है तो। ऑयली स्किन अगर आपका है तो आप थोड़ा बहुत इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एवरीडे पर्पस नहीं, कभी मेकअप कर रहे हो तो एज अ मेकअप बेस ऐसा कुछ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपका स्किन ऑयली है तो। जो भी मॉइस्चराइजर इसका पार्ट है, ये ड्राई स्किन में पूरी तरह से ये काम नहीं कर पाता। आई डोंट नो व्हाई, इतना अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है, इतना सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है, पर ड्राई स्किन में जा करके उसमें पूरा फ्लेक्स आ जाता है। आप ऐसा करोगे तो पूरा सफ़ेद वाला नाखून का ऐसा आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा वो रफ़ कर देता है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन को और भी रफ़ करता है, तो दिस इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन। अब आती हूँ कि अगर आपका स्किन सेंसिटिव हुआ तो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट डे आप यूज़ करोगे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, सेकेंड डे आप जब यूज़ करोगे अब देखोगे कि कुछ देर बाद ही इसमें पिंपल आना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको वन टाइम नहीं, मैं एक्चुअली ये वाला क्रीम मेरे घर पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नॉर्मल स्किन है, वो हमेशा एज अ मॉइस्चराइजर इसको अप्लाई करता है, उसका स्किन इससे बहुत ही अच्छा होता है। पर जैसे ही लास्ट 5 ईयर्स से मैं इसको देख रही हूँ, पर जब भी मैं इसको अप्लाई करने के लिए जाती हूँ गाइस, 2 डेज से ज़्यादा मैं इसको कभी भी अप्लाई नहीं कर पाती, मुझे फुल रैशेस आ जाते हैं। पूरा पिंपल तो तभी नहीं आते, पर पूरा फेस ऐसे पूरा ऐसा पूरा रेड, यहाँ पे रेड, दो रेड, ऐसे लगता है कि दो चेरी लेकर के ऐसे बिठा दिया, ऐसा पूरा रेड हो जाता है। और भी उसके ऊपर मैंने यूज़ किया तो नेक्स्ट 2 डेज में मेरा पिंपल आना भी पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो आपका स्किन भी अगर मेरी तरह सेंसिटिव है तो इसको आप यूज़ मत कीजिए, एज माई रिकमेंडेशन, ये आपके लिए तो फिर बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और मेकअप पीस भी नहीं है, क्योंकि आप इसको आप स्किन आपका जो स्किन का जो टाइप है वही इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो आप एज अ मेकअप पीस कैसे इसको अप्लाई करोगे।
पर हाँ फिर भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ हैंड के ऊपर। मैं इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरा हैंड जो मॉइस्चराइज रहता है वो यही बनाता है। अगर आप इसको ऑलरेडी खरीद चुके हैं, आपका स्किन सेंसिटिव है या ऑयली है, आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको 110 रुपीज़ देकर आप इसको खरीदे हैं, तो इसको फेंकिए मत। आप इसको अपने हैंड पे यूज़ कर लीजिए, आपका हैंड बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको पैराबेन से भी प्रॉब्लम है, अगर आपका स्किन नॉर्मल है पर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो पैराबेन फ्री हो, तो फिर भी ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें पैराबेन एडेड है, ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपका मेरा ऑनेस्ट वाला रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं जल्दी हाजिर होंगी मेरे और एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। चलिए आज मैं विदा लेती हूँ, टाटा।